तो गाइज़ आज फ्राइडे है, बहुत सारी फिल्म रिलीज़ हुआ है थिएटर में। तो गाइज़ एक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है दृश्यम 2, जिसमें लीड रोल पे अजय देवगन है। फिल्म जो है एक रीमेक है, मलयालम लैंग्वेज में इसका ओरिजिनल मिल जाएगा ये फिल्म। ये रीमेक फिल्म आज निकल आया है। फिल्म का जो कहानी शुरू होता है वही पिछला वाला जो कहानी था दृश्यम, उसी का सीक्वल है, उसी के बेसिस पे कहानी स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग में दिखाया गया कि अजय देवगन का जो है पहले जो था वो केबल नेटवर्क का काम करता था, उसके बाद अभी जो है वो बहुत सारे पैसा कमा लेता है। कमा लेने के बाद वो अपना जो है थिएटर चालू करता है, और भी उसके पास फोर व्हीलर गाड़ी होता है, और भी बहुत ज़्यादा राइस हो गया है वो। अभी जो फिल्म में है, फिल्म का जो कहानी ट्विस्ट पिछला साल से ही शुरू होता है, जो मर्डर हुआ था एक फैमिली जो इसका मर्डर कर दिया था, आईजी का बेटे का मर्डर हो गया था, उसी से कहानी दूसरा कहानी शुरू होता है। तो आप इस फिल्म को पहली बार देख लिए हो तो दृश्यम 2 को आप पहले देख लिए हो तो ये फिल्म का जो है आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फिल्म जो है फ्रेम टू माई फ्रेम रीमेक है। तो फिल्म आपको एंटरटेनमेंट करता रहेगा, जो पहली बार देख रहे हो तो फिल्म आपको एक भी सीन बोरिंग नहीं करेगा, आपको एंटरटेनमेंट करता रहेगा, क्योंकि फिल्म में जो है अजय देवगन का जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल है। अक्षय खन्ना का जो एंट्री है इंटरवल के कुछ 10 मिनट या 20 मिनट पहले इंटरवल के, उस समय उसका एंट्री जो है होता है अक्षय खन्ना का। तबू का जो एक्टिंग है वो भी नेक्स्ट लेवल है, काफ़ी बढ़िया एक्टिंग है तबू का। यही बोलूँगा फिल्म अपने आप में एक मास्टर फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म को मैंने पहले भी हिंदी में इसी हिंदी लैंग्वेज में देखा था, अजय देवगन जो रीमेक किया था। तो फिल्म यही बोलूँगा कि कहीं सीन आपको बोरिंग नहीं करेगा, क्योंकि फिल्म में जो कहानी है ताबू का भी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल है, वो भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया है इसमें। अक्षय खन्ना जो इन्वेस्टिगेशन करता है इस केस को, आईजी के बेटी जो बेटे जो मर्डर हो गया, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से करता है। फिल्म आगे जो सस्पेंस है, लास्ट के जो 15-20 मिनट सस्पेंस है वो आपको कहीं भी बोरिंग नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट का जो सस्पेंस है यही लोग देखने जाते हैं कि लास्ट में क्या हुआ है नहीं होगा, ये आपको उलझा के रखेगा कि एक्स के बाद एक ट्विस्ट आता रहता है लास्ट में। लास्ट का आप इस फिल्म पहले भी बोल रहा हूँ, ये फिल्म आप पहले देख लिया तो दृश्यम 2 तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिल्म में जो है लास्ट का क्लाइमैक्स ही बहुत एंटरटेनमेंट है, क्योंकि लास्ट में जो बताया गया है, लास्ट का कुछ बता देंगे तो आपको फिल्म का जो एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा। अब मैं प्रेफर करूँगा कि अब लोग जाके थिएटर में फिल्म को सपोर्ट करिए जाके। तो वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया, कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने वीडियो शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।